नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने 41,000 करोड़ रुपया सेव किया है, उसी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले करना क्या, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है। अब मैं बताऊँ आपको कि कैसे अब ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है या इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, वही मैं बताने वाली हूँ। अभी जल्दी की बात है, गवर्नमेंट ने इथेनॉल का, कच्चे तेल का पेट्रोल के साथ में 10% यूज़ करके 41,000 करोड़ रुपया सेव किया है। आज की डेट में देखा जाए तो जो इंडिया है उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंड है। जो वो कच्चे तेल के लिए जो निर्भर है उन पर, ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कि सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, रशिया हो गया, US हो गया, यहाँ से कच्चा तेल इम्पोर्ट किया जाता है। और इसमें लगभग जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है अगर उसका रिकॉर्ड, इसमें उसका आंकड़ा देखा जाए तो $1,120 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ है उसमें, जो हमने जो खर्चे में कॉस्ट आई है। अब सोचो, अभी तो जैसे यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है तो आने वाले टाइम में तो ये बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो तेल के दाम बढ़ेंगे ही। अब अगर यही सिचुएशन रही तो अगले साल में और भी जो $1,120 बिलियन हमने इस बार में खर्च किया है, अगले बार में और भी ज़्यादा होगा। तो इसी के देखते हुए इंडिया ने इमीडिएट एक्शन लिया है, डिसाइड किया है ये कि जो ये 10% का हमारा टारगेट था ये हमने 6 महीने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। ये नवंबर तक हमें कंप्लीट करना था 2022 में, लेकिन ये 6 महीने पहले कंप्लीट कर लिया है। तो इसी को देखते हुए नेक्स्ट टारगेट डिसाइड किया है कि नेक्स्ट में हम 20% का टारगेट फिक्स कर लेते हैं और उसको अचीव करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब ये होता क्या है, जैसे कैसे यूज़ करते हैं इसको, जैसे हम अभी फुल्ली पेट्रोल यूज़ करते हैं तो यहाँ कैसे होता है कि पेट्रोल के साथ में 10% का इथेनॉल को यूज़ किया जाता है। अब इसमें लास्ट एट ईयर्स हैं उसमें गवर्नमेंट ने इतना सेव किया है 41,000 करोड़ रुपया। अब सोचो कि जब गवर्नमेंट 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, जब ये आए थे तो उस टाइम पे लगभग 3% के आसपास था, लेकिन आज की डेट में ये 10% हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि अकेला भारत ही है जो इस पर कोशिश कर रहा है, जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी इस बारे में कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ब्राज़ील है, ब्राज़ील में इस पर काम हो रहा है, वहाँ पर पेट्रोल के साथ में जो इथेनॉल है उसको 85% यूज़ किया जाता है, ओनली 15% उसमें पेट्रोल यूज़ करते हैं, लेकिन वो व्हीकल अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी व्हीकल में यूज़ हो जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अक्रॉस इंडिया पेट्रोल जो मिलता है, ये वाला इथेनॉल वाला, ये मिल जाता है, सभी जगह मिल जाता है, लेकिन ये सभी व्हीकल्स में नहीं चलता है। अभी जैसे 2008 के बाद के जो व्हीकल्स हैं उन्हीं में ये यूज़ हो पाता है, बाकी सब में नहीं हो पाता है। अब जैसे दूसरे, अगर हम अदर कंट्री की बात करें तो जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, वो लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। अब लास्ट में चाइना ने इस पर काम शुरू किया था, लेकिन कोरोना अपना बनाना शुरू किया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो उसका प्लान फ्लॉप हो गया, उस फ्लॉप की वजह से इंडिया उससे आगे निकल गया। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर जो चाइना में वो लोग आगे कैसे हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ ज़्यादा होता है और उसमें वो हमसे आगे हैं। लेकिन जैसे अभी हमने टारगेट ये वाला अचीव किया है और आगे हमने 20% डिसाइड किया है, उसको अगर हम अचीव कर लेते हैं, जिस तरीके से अब हमने प्रॉफिट लिया है, ये सेव किया है, आगे भी अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम चाइना से भी हम आगे निकल ही जाएंगे। अब दूसरी बात आगे मैं बताऊँ आपको कि जैसे जो हमारा इंडिया है, मतलब ये डिसाइड क्यों किया गया है, कुछ कैलकुलेशन की जाती है ना, तो जो हमारा इंडिया है, आप सभी को पता है कि कृषि प्रधान देश है, जो यहाँ की एग्रीकल्चर है वो भी गो थ्रू करती है, जो फार्मर है वो भी गो थ्रू करते हैं। अभी जो लास्ट ईयर का जो फार्मर ने जो अर्न किया है वो किया है 40,060 करोड़ रुपया अर्न किया है, और इसको अब जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है नेक्स्ट ईयर, मतलब एवरी ईयर पर ईयर जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, वो 35,000 करोड़ रुपया अर्न करने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। लेकिन उसके लिए क्या है, 20% बढ़ाना है। अब ये बनता कैसे, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये बनता है गन्ने से। अब गन्ना तो हमारे यहाँ बहुत होता है, इंडिया उसका उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, समस्याएं भी बहुत हैं, क्योंकि जब जैसे हमने अब ये डिसाइड किया है, टारगेट डिसाइड किया है 23 तक में पूरा करने का 20% का, तो इसमें सबसे बड़ी तो ये समस्या है कि अभी जैसे तेल के रेट अभी तो ग्रो होने ही होने हैं,
क्योंकि अभी तो रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है और अभी आसार भी नहीं लग रहे हैं कि रुक जाएगा। और अगर 1% रुक भी जाता है तो फिर भी रशिया पे जो इतनी सेंक्शंस लगी हुई हैं, इतनी पाबंदियां जो लगाई हुई हैं वो तो बनी रहेंगी, तो फिर भी इसमें तो पैसा जाएगा ही। जो हम इम्पोर्ट करते हैं कच्चे तेल को, एथेनॉल को, जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसमें पैसा ज़्यादा ही जाएगा। तो यही सब को कैलकुलेट करके उसको हमने अपना टारगेट आगे का डिसाइड किया है। लेकिन अगर हमारा ये हम टारगेट अचीव करते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा। 2023 तक हमें जो हमारी गाड़ियां हैं, जो हमारी कार हैं, उनको भी हमें चेंज करना होगा। अब ये है कि भाई क्या ये सक्सेसफुल होगा, इसमें कुछ परेशानियां तो नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट इसमें ये हो सकता है कि भाई जैसे गन्ना है हम उगाते हैं उसको तो उसमें पानी की ज़्यादा नीड होती है, या जैसे हम उसे हम शुगर बनती है, सभी को पता ही है ये, तो जैसे गन्ने से चीनी बनती है और चीनी को इंडिया बहुत ही बड़े लेवल पे कंज्यूम करता है, उसके लिए हम बाहर से भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब ये सारी समस्या है कि कैसे इन सबको एडजस्ट किया जाएगा। अब देखिए, क्योंकि अगर करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। जो हमने 10% का जो हमारा टारगेट था वो 6 महीने पहले अचीव कर लिया, तो 20% भी कर ही सकते हैं। मुश्किलें तो हर काम में आती ही हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना ज़रूर, और दूसरा वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।